गाइस हालत देखो, अभी तो गाने का आधा भी नहीं हुआ। गाइस देखो, आसमान पूरा काला बन गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, क्योंकि मुझे पानी मिला है। ओह माय गॉड। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। हाथ में कंघे लेके बिना लिपस्टिक लगाए मेकअप करके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग पर डांस की शूट करने, तो आप लोगों को लेकर जाऊंगी। इसलिए मैं मेकअप तो कर लिया, सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाया, कंघे कर रही हूँ अभी। तो ये सब करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो आखिर तक। हाय गाइस, तो हम लोग तैयार हो गए हैं और मैंने ये ऊपर ये फ्रॉक पहन लिया क्योंकि स्कर्ट बहुत छोटा है। और इन दोनों को देखो, एकदम चमकीली चमकीली स्कर्ट पहन लिया है। गाइस चलो अभी चलते हैं, शूट करके आते हैं डांस का। और ये दो चमकीली लड़के मुझे भाव ही नहीं देते हैं। मुझे आगे आगे देखो, पीछे पीछे आ रही है, पहले आगे आगे जाती है। हा? ड्रेस का डिजाइन कर दिया क्योंकि इन लोगों का ये क्रॉप टॉप बहुत ढीली ढीली था। हाँ तो बोल, हाँ तो बोल। और ये देखो, हमारी कैमरा बहुत शर्माती है, इसलिए घूंघट डाल दिया। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी ये टमटम गाड़ी में बैठ के। चलो चलते हैं, फोर लाइन में ही जाएंगे, वहीं पे शूट करेंगे क्योंकि वही का वहाँ का लुक अच्छा आता है। मेरी और दीपक का आप लोगों ने देखा था ना वो सॉन्ग, तो वहाँ का लुक बहुत अच्छा आता है, तो वहीं पे करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, छाव बिल्कुल नहीं है क्योंकि पेड़ वगैरह नहीं है ना। आ गया फोर लाइन। गाइस देखो, चारों तरफ सिर्फ धूप ही धूप। आज फिर से मैं काला कोयला बन जाऊंगी, मेरी जो फोरहेड है वो जल के कोयला बन जाएगी। कोई बात नहीं, शूट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है, कोई काम छोटा है क्या। धूप हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान क्यों ना हो, हम लोग करेंगे शूट। और ये देखो, पहली बार हम लोग गिम्बल से करेंगे आज। हाय अफरीन, ये लड़की जो इमी सॉन्ग पे, ये लड़की नहीं आ पाई थी, इतने दिन प्रैक्टिस करके भी ये नहीं आ पाई थी क्योंकि इसको निकल आई थी, देखो पॉक्स निकल आई थी, अभी भी दाग है बेचारी। और इसको टच करके इसको भी आ गई थी। और मेरा बॉक्स देखो बे, ये देखो ट्रक के टायर है ये। देखो सर पे टायर लेके हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह आता रहता है और यहाँ पे लोग भी जमा हो जाता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं नीचे, जा रहे हैं नीचे करेंगे। और नीचे थोड़ा पेड़ वेड़ भी है तो छाव भी मिलेगा, तो चलो नीचे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखा गाइस, एक वीडियो शूट करने में कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो में देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ हम लोगों को पता है। हमारा हालत पूरा खराब हो चुका है, इतनी ज्यादा धूप है, कहीं पे भी छाव नहीं मिल रहा है, कैमरा मैन का भी हालत खराब है, सोया नहीं, मेरा सर मतलब गुस्से से फट रहा है, एक मुझे मूवमेंट नहीं आ रहा है, एक बंदर लड़की। चलो अब मेरी बारी है, सब मैं देती हूँ, चलो यही लोकेशन पे। हाँ चलो, गाइस हालत देखो, अभी तो गाने का आधा भी नहीं हुआ। गाइस मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, छाँव नहीं है, और हमारा जो एक बोतल पानी लाया था वो पानी ख़त्म हो गया। यहाँ आसपास किसी का भी घर नहीं है जो पानी लाए, एक बूंद पानी के लिए हम तरस रहे, लेकिन यहाँ पे नदी है, नदी का पानी थोड़ी ना पियेंगे। इसका शादी नहीं, ये शादी में जाने वाली थी, लेकिन शादी छोड़ के ये शूट कर रही है। और इसने मेरा हालत किया है, देखो पूरा काट दिया, देखो नाखून से, अपना उंगली दिखा, इससे पूरा खा लिया ये। हमारा कैमरामैन इतना खरूस है, इतना खरूस है, पानी प्यास के मारे में पागल हो गई हूँ। और ये क्या बोल रहा है,
हाँ? क्या बोलूँ मैं, क्या बोल रहा था कौन? बाद में बिना भी देखो कितना जेंटलमैन बन गया, अभी जब कैमरा नहीं था तब ये खरूसपन कर रहा था, जाओ जाओ नाचो नाचो कर रहा था। चलो करते हैं। हमने पानी है बहुत सारा लेकिन पीने लायक नहीं है। गाइस, मुझे अभी जाके याददाश्त वापस आ रही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, क्योंकि मुझे पानी मिला है। ओह माय गॉड, कितने वर्षों बाद में नदी के पानी से हाथ मुंह धो रही हो। मुंह नहीं धोने वाली, मुंह में मेकअप है, हाथ धो रही हो सिर्फ। आओ बस। हे लगे ना भाई। गाइस फाइनली हमारा डांस का वीडियो हो गया शूट कंप्लीट। अभी देखते हैं हम शॉर्ट्स बनाते हैं या नहीं। धूप चला गया, अभी थोड़ा ठंडक पहुंचा हमारे दिल को। और अभी ऐसे थोड़ी देर बाद निकल के हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा घर। और आफरीन बेचारी इसको छोड़ के पूरी फैमिली शादी में चला गया। गाइस देखो आसमान पूरा काला बन गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश आने से पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, नहीं तो फिर बारिश में भीग जाएंगे। शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बारिश आने वाला है, इसलिए आज चलते हैं, कल बनाएंगे शॉर्ट्स। और मैंने ऊपर ये फ्रॉक डाल लिया क्योंकि मार्केट से जाएंगे ना, मार्केट में कुछ खाएंगे और मार्केट में बहुत सारे लोग रहता है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या खाएंगे। और ये फोर लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। गाइस मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो जो भी काम करते हैं सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी एक ही है, जियो पियो खाओ मस्ती करो, जो भी अपना सपना है वो सारे पूरा करो मेरी तरह। गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि बारिश आने वाला है, देखो बारिश आ रहा है। और हमारे पास सिर्फ दो छतरी है, एक तो कैमरा को ही चाहिए होगा। तो चलो फटाफट रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। साइड में आ थोड़ा सा, साइड में आ, देखो कितना बारिश आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ वहाँ पे रहने से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट, सब लोग भाग रहे हैं, देखो इधर से उधर उधर से इधर। गाइस अभी खाने आए हैं, अब जाके थोड़ा पेट को सुकून मिलेगा। बारिश बहुत तेज आ रहा है, किसी तरह से कैमरे के बैग को बचा के लाए हैं ताकि ये ना भीगे, क्योंकि इसी से हमारी सारा काम चलता है ना। गाइस ये देखो हमारा खाना, चिकन और ये राइस है शायद, और प्याज और मिर्च। तो खा के बता दें, ठीक है? हाय एवरीवन, तो देखो हम लोग शूट से सीधा खाना वाना खा के हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, कहीं पर भी छाँव नहीं मिल रही थी। यार इतनी धूप में काम करना, वो भी डांस की शूट, आप लोग इमेजिन करो कैसी हालत बन गई थी, फुल्ली डिहाइड्रेट हो गई थी। क्योंकि गाइस वहाँ पे पानी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आसपास कोई दुकान था ही नहीं, तो पानी नहीं पी पा रहे थे। ऊपर से धूप आ रहा था, सर पे लग रहा था, सर पूरा गर्म हो चुका था। फिर किसी तरह से दीपक ने पानी का बंदोबस्त किया, बहुत दूर जाकर शॉप से लेकर आया। तो गाइस इसीलिए मैं आकर ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, मैं नहा कर पूरा सो गई थी। और अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। गाइस आई नो कि आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा हुआ है, लेकिन ये वाला डांस का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग ढेर सारा प्यार देना मेरे डांस के चैनल को, साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल को भी ढेर सारा प्यार दो। गाइस इतनी मेहनत कर रही हूँ, धूप में जाकर बारिश में जाकर शूट करते हैं, तो आप लोग फ्री में तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो ना।
गाइस तो आप लोगों से मिलोंगे मैं अगली ब्लॉग में एक बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखना, साथ ही अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो बाय।